हाय, लेट अस जस्ट चेक न्यू मून इन पाइसीज क्या सॉरी क्या इफेक्ट लेके आ रहा है आपके लव लाइफ के ऊपर. ओके, सो मूनोलॉजी डेक है, करियर, मनी, फाइनेंस, टेक, व्हाट रेजोनेटेड एंड लीव द रेस्ट. चलिए देख लेते हैं. न्यू मून इन पाइसीज, वाओ, होल्ड योर विजन. ओके, वेरी नाइस. ओके, न्यू मून इन पाइसीज मेरे सारे सोल ट्राइब के लिए क्या क्या चेंजेस लेके आ रहा है. अगर आप हमसे थर्ड पार्टी कॉर्ड कटिंग कर रहे हो, गो फॉरवर्ड इट. 3 दिन न्यू मून का असर रहेगा और हमारे जितने भी कैंडल मैजिक और स्पेल रिचुअल्स है 100% ऑथेंटिक है एंड बहुत ही पावरफुल है. हमने ऑलरेडी 58 क्लाइंट्स के ऊपर पॉजिटिवली सक्सेसफुल रिजल्ट लिया है. एंड इसके साथ साथ लव, मैरिज, यूनियन के भी आप रिचुअल्स ले सकते है. ओके, आप हीलिंग रिचुअल्स भी ले सकते हैं. चलिए देख लेते हैं न्यू मून इन पाइसिस. 1 मिनट, कार्ड नीचे गिरा है. वाह वाह वाह, न्यू मून इन पाइसिस, वेरी नाइस. द हार्ड वर्क, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. न्यू मून इन कैप्रिकॉन, एग्जैक्टली जनवरी में आपकी थर्ड पार्टी निकल चुकी है या निकलने के कगार पर थी, ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर यू. व्हाट इज कमिंग फॉर न्यू मून इन पाइसिस फॉर माई कलेक्टिव. आप आज के दिन बिंदास जा सकते हो रिचुअल्स के लिए. डू नॉट स्टॉप. ओके, आई एम गेटिंग स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू. होल्ड योर विजन टाइटली. या चलिए देख लेते हैं कैसी एनर्जी रहने वाली है न्यू मून. वाव, अनदर न्यू मून इन वर्गो, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक. एग्जैक्टली, आप में से कोई है यहाँ पर जो सेल्फिश बन के घूम रहा है? मैं नहीं बोलूंगी, नो ऑफेंस, नो जजमेंट, बट या इट्स अ टाइम टू गिव. ओके, जो जो होल्ड बैक करे है उनकी एनर्जी भी है. इट्स अ टाइम टू कम्युनिकेट राइट नाउ, नाउ और नेवर. ओके, बिकॉज मुझे स्पिरिट से क्लियरली सुनाई दे रहा है कि अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. आई डोंट नो व्हाई. वाओ, थर्ड न्यू मून, आर यू किडिंग मी यूनिवर्स. न्यू मून इन एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन. येस माई ऑल डिवाइन मास्कुलाइन्स, डिवाइन फेमिनन आउट देयर, इट्स टाइम टू लेट गो. इट्स टाइम टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यूअर गोल्स, ड्रीम्स, विजन्स इन लव, मनी, करियर, फाइनेंस. ओके, 3 न्यू मून, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज. एग्जैक्टली, मैंने पहले ही बोला था, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज. न्यू मून इन एक्लिप्स जो कि अभी है. डोंट लेट यूर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड. किसी किसी को अभी भी एडिक्शंस है, बार 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 बैक एंड फोर्थ करना अपने डिवाइन काउंटर पार्ट एंड कार्मिक सोलमेट के बीच में, जगल करना कार्मिक थर्ड पार्टी के बीच में, जगल करना, इट्स अ वेरी एडिक्शंस. ओके, इट्स अ हाईली टॉक्सिक एडिक्शन. तो आपको बोला है साउथ नोड से आपको नॉर्थ नोड में आना है. यू नीड टू ड्रॉप डाउन ऑल द एडिक्शंस या एंड सरेंडर टू द डिवाइन. व्हाट इज द मूनोलॉजी डेक कमिंग? अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन. फुल मून इन कैंसर, इधर यू कुड बी बॉर्न इन कैंसर सीजन और समबडी कुड बी बॉर्न इन कैंसर सीजन. और कैंसर सीजन ओवरऑल अगेन इमोशंस रनिंग हाई. वॉटर साइंस हैविली गोना अफेक्ट दिस न्यू मून. ओके, पर्जिंग हो जाएगी, आपकी डीएनए कुंडली ने एक्टिवेट होगी. आपको इस दिन और इस 3 दिन में न्यू मून रिचुअल्स करना है, राइट डाउन करना है आपको जितने भी आपके अंदर के फियर है, एडिक्शंस है, उनको बर्न आउट करना है, बेलीफ रिचुअल्स करना है, या फिर आप हमसे भी रिचुअल्स ले सकते हो. 9579784650. अगर आप मेरे पर्सनल क्लाइंट है तो आपको स्पेशल पैकेज मिलेगा, स्पेशल ऑफर मिलेगा ऑन ऑल द रिचुअल्स. थैंक यू सो मच. पर्सनल इश्यू रिजोल्यूशन, मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग डिवोर्सी यहाँ पर है वो डिवोर्स चाहते हैं, उनको डिवोर्स मिलने वाला है. स्टेप आउट ऑफ यूर कम्फर्ट जोन. ओ माई गॉड, डेफिनेटली कोई तो साउथ नोड में बैठा हुआ है. साउथ नोड इसका मतलब ये होता है कि पिछले जन्म के कार्मिक बैगेजेस को लेके बैठना, जो कि फियर्स है, जो कि इस लाइफ टाइम के भी पास्ट में जो जो हुआ था उसके बारे में कॉन्स्टेंटली ओवर थिंक करना, नो एक्शन लेना, यू नो, एडिक्शन में जाने जाना, पेन नंब करने के लिए, दर्द को दबाने के लिए अलग अलग, जैसे ओवर ईटिंग करना, ओवर ड्रिंकिंग करना, वीड स्मोकिंग का वाइब आ रहा है मुझे अभी इस वक्त. तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. एंड सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, तो आप दूसरों को भी नहीं दे पाओगे. तो डेफिनेटली कोई यहां पर कोई स्ट्रांग ऐसी एनर्जी आ रही है. यू और यूर मैस्कुलाइन सिटिंग इन अ डार्क फेज. ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है बट बोला जा रहा है नो एक्शन नो रिजल्ट. एक कार्ड और नीचे गिरा. आई एम जस्ट गोना पिक अप. ओके,
थैंक यू सो मच. या आई ऑलरेडी टोल्ड यू द एंड ऑफ अ टफ साइकिल. ओके द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न. डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का यहाँ पर जो कार्मिक बैगेजेस है, आपको 10-10 एंजल नंबर दिखता होगा या आपके पर्सन को दिखता होगा. डेफिनेटली इट्स टाइम आउट. आई एम हियरिंग राइट नाउ इट्स अ टाइम आउट फ्रॉम द स्पिरिट. बहुत डिले हो चुका है इस कनेक्शन में, बहुत सारा थर्ड पार्टी ड्रामा हो चुका है. जो भी आप हो मैं आपकी एनर्जी में पिकअप कर रही हूँ, बट आप सक्सेसफुली ओवरकम हो गए. आज के बाद बहुत सारे मेजर चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं. फुल मून इन कैप्रिकॉर्न मतलब ये जो जनवरी का सीजन है उसके फुल मून में जो जो आपने कॉर्ड कटिंग या रिचुअल्स करे थे, इट्स 100% ट्रूथफुल है. वो थर्ड पार्टी रिमूव हो चुकी है. या मैं अब मैंने क्या बोला था गाइस, आई ऑलवेज शफल माई डेक. ओके 10-10 एंजल नंबर कन्फर्मेशन अ कार्मिक कंप्लीशन. ओके मैंने नींद से उठ के ये वीडियो बना रही हूँ डायरेक्टली आप लोगों के लिए. एंड प्लीज परचेस ऑल माई हीलिंग रिचुअल्स, माई कैंडल मैजिक रिचुअल्स. वी एंड माई टीम कमिंग अप विद द लॉट ऑफ पावरफुल सेल्फ इनोवेटेड रिचुअल्स. ओके एक्सक्यूज मी गाइज एंड डू नॉट फोकस ऑन माई क्लॉथ प्लीज. माई गुडनेस 11-11 एंजल नंबर इंडिविजुअलिटी. किसी को यहाँ पर स्ट्रिक्टली पर्सनल ग्रोथ की जरूरत है. You cannot move on without any closure. You cannot move forward in your life without having a proper communication. You cannot move on or get succeed in your life without clarity. Get the clarity now, okay? Wow, wow, wow. Wow, spirituality. I already told you 7-7-11 number, 10-10 angel number coming up for you. Okay, what is the message for my divine masculines out there? Jitne bhi twin flame soulmate connection mein ya nahi bhi hai, you know, divine masculine. Okay guys, I'm just divine masculine ke liye kya unke connection ke liye unko kya yahan par surrender. Yes, 91. You could be 1991 born क्योंकि इसके ऊपर 91 है. Definitely you need to surrender guys. बहुत obsession मेरे clients भी. I have done lot of divine masculine twin flame clients in my readings, personal reading. And मुझे clearly पता चला कि आप obsession के energy में हो. Yes, congratulations. You are heading towards a new beginnings. See, lot of orange color, lot of red. आपका root chakra balance नहीं है, आपको balance करने की जरूरत है. 111 angel number. See, 11 angel number, 77 angel number. Wow, congratulations collective. Angel number 56 आया है, relationship change. आपके upper chakras तो clear है, but आपके lower chakra काफी ज़्यादा problematic है. My God, divine masculine and divine feminine. I don't know. Angel number 37, time out. It's a time out written. आपको उल्टा दिखता होगा, because मैंने self recording की है. Time out लिखा हुआ है. Okay, it's a time out. Divine timing gone. It's a time out. Okay, it's a time out guys. This is the right time. Already जा चुका है. New moon is the last. Okay, happy ending. Congratulations. If you are moving forward, अगर आप या आपका divine masculine या divine feminine आपके towards action इसी वक्त लेता है, then it will come to happy ending. Otherwise, you are moving to the new connection. I don't know, I am already getting you are moving to the next connection. Lot of divine feminine and divine masculine, जो कि अपने partner से, divine counterpart से, बहुत सारा third party drama, love triangle, you know, cheating, betrayals, my God, backstabbing. यहाँ तक कि आपको आपकी health affect हुई है, इतना इस person ने आपको problems cause किया है, but no apology, no confession. तो definitely आपके लिए message है, if you believe, you can take this person back, or else you can, you know, just stuck moment में रहोगे. ये person आपको कुछ नहीं देने वाला है. जो भी ये person है जिसके साथ आपने deal किया, आपको बोला जा रहा है spirit से just move on again. Big happy changes, happy ending and happy changes. ओके किसी का सोलर चक्रा ब्लॉक्ड है, क्लींजिंग करने की जरूरत है, क्योंकि आपको कन्फेस करने में, अपोलॉजी देने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर आपको अप्रोच करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको ईगो ड्रॉप करने में प्रॉब्लम आ रही है. सोलर चक्रा हैवीली डिसबैलेंस्ड. मैंने क्या बोला, डिवाइन फेमिनिन, ये आपके लिए भी मैसेज है. या फिर जो डिवाइन मैस्कुलिन, जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के कोड को चेस कर रिएक्शंस दिया है, अपोलॉजी दिया है, कन्फेशन दिया है, कमिटमेंट दिया, लेकिन फिर भी सामने से कुछ अप्रूवल नहीं आ रहा है, यू नीड टू से इट्स अप टू यू. अगर आप चाहते हो तो आप इस पर्सन को वापस ले सकते हो, नहीं भी लिया तो भी इट्स अ सक्सेस. डिवाइन फेमिनिन, दिस इज फॉर यू. सक्सेस इज गोना कम टू यू. यस एग्जैक्टली. फॉरगिवनेस, व्हाट डिड आई जस्ट टोल्ड यू, फॉरगिवनेस.
ओके, समबडी विल फॉरगिव यू, यस आपको फॉरगिवनेस मांगने की जरूरत है, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंजेस या आस्क यूर एंजल एंड डू इट नाउ. आई एम constantly hearing, I don't know who is divine feminine stuck here, waiting, so many years, my god, 9 years, 12 years, 7 years, पिछले एक साल में भी आप बहुत झूल चुके हो. अगर ये आपका ट्विन फ्लेम है, कुछ नया बंदा आपको पिछले एक साल से मिला है, आपको बोला जा रहा है डू नॉट स्टक बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी टॉक्सिक, वेरी मच टॉक्सिक एज फक, ओके, एंड यू आर रेडी फॉर द न्यू बिगिनिंग, जस्ट गो अहेड. You are ready, ready, ready. Just go ahead. Okay? You are ready. Radha Krishna ka bhi card aaya hai. You're definitely dealing with your twin flame. You're definitely dealing with your twin flame who is very toxic, in and out, juggling between you and other lovers and options. And ye person hamesha aapko last option rakke chala hai. So be mindful agar aapko lena hai to. And spirit bol rahe, there is a new soulmate coming towards you. There is a new soulmate coming towards you. There is a new soulmate. Yeah, divine feminine, I told you. आप कोर्टशिप के मामले में आप इस पर्सन से कमिटमेंट आने का इंतजार कर करके थक गए, थकेले भगेले मरेले. I am sorry. Yeah, but you gonna receive some kind of a new offer later. मेरे ऑलरेडी पर्सनल क्लाइंट्स को मिल रहे हैं. मेरे चाइनीज पिग्स हुई ब्रेसलेट पहनीजिए, आपको जरूर करियर मनी फाइनेंस में वृद्धि होगी, ग्रोथ मिलेगा, प्रोग्रेस मिलेगा और एविलाई से भी प्रोटेक्शन मिलेगा. सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गोना रिसीव लव लेटर, कन्फेशन, अपोलॉजी वेरी सुन, विद इन 7 days, 7 hours, मुझे यहां पर लग रहा है विद इन 7 hours, ओके, आई डोंट नो. और मेरे कितने पर्सनल क्लाइंट्स हैं जिनको यू नो दूर के जॉब, यू नो दूर की फॉरेन कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आया. कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच फॉर यू नो गेटिंग my bracelets and taking my personal reading. And मैं आपको बता रही हूँ कि ये distance है, जो कि separation है आप दो. या मैंने क्या बोला था, divine feminine, you always come out in my reading. I love you. You always come out in my reading. Occupation का आया है card definitely. जो offer letter आप wait कर रहे थे, जो business offer आप wait कर रहे थे, जो client offers आप wait कर रहे थे, everything is gonna come in this 7 days. Congratulations, high five, and let me know what is the, yeah, you gonna receive high honor very soon. मैंने तो मेरा नया channel खोला है. I'm very excited and happy. I also got attracted to my many new soulmates जो कि पास से तीन तीन चार चार साल से return आ रहे हैं, एंड आई लव द चेंज दे हैव शोन मी. या डेफिनेटली हाई ऑनर. ओके, रिसेंटली आई मेट वन गाय हु इज इन मंत्रालय एंड हु इज यू नो लाल बत्ती में आना जाना रहता है उस बंदे का, एंड ही इज ऑफ माई कास्ट कम्युनिटी. आई एम वेरी हैप्पी. या मच्योर मैन केम अप. तो डिवाइन फेमिनिन, देर इज समबडी आउट देयर अपार्ट फ्रॉम योर ट्विन फ्लेम हु इज ईगरसली वॉन्टिंग टू रिकनसाइल विथ यू. ओके गाइज, ऐसा नहीं है, मैंने पहले भी बोला था, स्पिरिट ऑलवेज गिव यू चांसेस, स्पिरिट ऑलवेज गिव यू ऑप्शंस, स्पिरिट ऑलवेज गिव यू चॉइसेस, हेल्दी चॉइसेस, नॉट अ टॉक्सिक कार्मिक थर्ड पार्टी, नो, दिस अ हेल्दी चॉइसेस. मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ रुक्मिणी स्वयंवर ग्रंथ पाठ कीजिए अगर आपकी शादी नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज नथिंग बट अ राधा एंड कृष्णा एंड दे नेवर गॉट यूनाइटेड. वो सिर्फ 5D लेवल का कनेक्शन रहा, 3D में दे गॉट सेपरेटेड. ये कलयुग है, हमको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेना है. हम प्लेयर के साथ, फक बॉय के साथ, यू नो उसके टॉक्सिसिटी के साथ नहीं आगे बढ़ सकते लाइफ में, राइट? कोई अपने को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, वेट कर रहा है आप ही के तो वर्ड से एक्शन लेने के लिए, बट उसके पास करेज नहीं है, सेल्फ एस्टीम नहीं है, इमोशनली वीक है. ऐसे बंदे के साथ आप फैमिली नहीं एस्टेब्लिश कर सकते. माइंड इट, बीइंग अ लाइफ कोच, I am going through it. I know this thing. Yeah? And I'm your mentor. मैं आपको सही रास्ता ही दिखा रही हूं. Take what resonated and leave the rest. Yeah? अगर ये आपकी लाइफ है, आपके choices है, आपके decisions है. मैं सिर्फ एक गुरु हूं, धर्म गुरु हूं. Yeah? राधा कृष्ण का मिलन नहीं हुआ था. Guys, this is a brutal truth. Everybody knows it. सबको पता है. Yeah? But किसके साथ शादी हुई थी? उनके soulmate के साथ, माता रुक्मिणी के साथ. या तो डेफिनेटली ये सबके लिए नहीं, लेकिन जिनके लिए ऑलरेडी ऑप्शंस भगवान भेज रहा है, इट्स अ ट्रूथ. अगर आपको राधा नहीं मिली तो फॉर एग्जांपल आपके लिए रुक्मिणी है. ओके, और अगर मेरी डिवाइन फेमिनिन स्पेशली आपके लिए मैसेज है, दुनिया में लिखा नहीं है, प्यार के चक्कर में पागल मत बनो, अंधे मत बनो. ओके, लाइफ निकलती जा रही है हाथ से, आपके माँ बाप की भी एज होती जा रही है, राइट? आपके खुद के भी. और जहां पर ये लोग जितने भी मैरिड मुझे देख रहे हैं, डिवाइन फेमिनेंस जो कि स्टक है मैरिज कम्युनिकेशन में, यू नो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में, आपका पर्सन आपको लाइटली ले रहा है,
उसने बहुत फायदा उठाया आपके इनोसेंस का, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, चल ये तो है ये कहा जाएगी, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, मारो। ओके आई एम सीरियसली, मुझे नहीं, मैं नहीं बनाना चाहती थी वीडियो, आई एम गोइंग थ्रू हेल एंड बैक, मैं नहीं बनाना चाहती थी, बट मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, पर्सनली भी कॉल आ रहे हैं कि मैम हमारे लिए एक छोटा वीडियो बना दो, मैंने आपके लिए वीडियो बना दिया, आप हमसे रिचुअल्स लीजिए एंड मूव फॉरवर्ड। आपको 100% राइट्स है भगवान से कि आप अपने ट्विन फ्लेम को भी ब्लॉक कर सकते हैं, उसको अपने एनर्जी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ही इज वाइब्रेटिंग इन द लोअर वाइब्रेशंस एंड वो टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिसिटी है, बहुत एडिक्शंस मैं देख रही हूँ किसी का ट्विन फ्लेम डिवाइन मैस्कुलिन, एक एडिक्शन नहीं खत्म हुआ तो दूसरा चालू, वो ओवरकम नहीं किया कि तीसरा चालू, ये नहीं कि चौथा, और आप झूल रहे हो इसके एडिक्शन के चक्कर में, आप भी पीस चुके हो, यू आर कंप्लीटली अनॉयड। मैं रीडिंग्स ले रही हूं, मुझे पता है बैकएंड में क्या हो रहा है, और मैं एनर्जी बहुत पिकअप करती हूँ लोगों की कलेक्टिव में। अब बहुत ज्यादा थक चुके हो इस रिलेशनशिप में, ड्रेन्ड हो चुके हो बच्चों के साथ साथ, आपको बोला जा रहा है गेट अ डिवोर्स, गेट अ डिग्री, गेट अ कोर्स, गेट, आपको कोई सोलमेट मिलने वाला है, सेम लाइक माता रुक्मिणी, आपको कोई सोलमेट मिलने वाला है गाइज, देर इज हाई चांसेस, येस लवर्स इन द बॉटम ऑफ द डे, आपको कोई सोलमेट आ रहा है जो इक्वली और आपको बहुत ज्यादा प्रिविलेज लेडी की तरह रखेगा, एग्जैक्टली अगेन लवर्स का, देर इज अ न्यू सोलमेट कमिंग टूवर्ड्स यू, एक कार्ड नीचे गिरा, एक मिनट गाइज, देर इज अ न्यू सोलमेट कमिंग टूवर्ड्स यू हु इज या, और जो जितने भी डिवाइन मास्कुलिन है, ये ओल्ड लेडी हो सकती है, आपसे 6 साल 6 महीने बड़ी या विद इन 5 years के एज गैप में है, मच्योर मैन एंड मच्योर वुमन, एग्जैक्टली। ओके आई नो दैट वॉट काइंड ऑफ ऑप्शंस, बेटर ऑप्शंस देन माई ट्विन फ्लेम, अ मच बेटर एंड पीसफुल, नो माइंड गेम्स, वही मुझे चाहिए। यू नो दीज पीपल आर स्ट्रेट टू द टॉक एंड वेरी लविंग केयरिंग ऑनेस्ट पीपल आर कमिंग इन टू माई लाइफ, टचवुड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई एम टेलिंग यू गाइज, जो मच्योर है आपसे, इससे बड़ा है ट्विन फ्लेम के, जो सिंगल आउट देयर है, देर इज अ मच्योर मैन कमिंग टूवर्ड्स यू, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है, देर इज अ न्यू पर्सन कमिंग टूवर्ड्स यू हु इज अ बॉस फिगर। ओके इसके बाल सफेद हो चुके हैं, आई एम टेलिंग यू, नो मैटर वॉट एज गैप आपसे बड़ा है उम्र में, गो फॉरवर्ड इट, दिस पर्सन विल गिव यू अल्टीमेट एम्प्रेस का वैल्यू, अल्टीमेट सिग्मा क्वीन कैसे रखते हैं घर में वैसे, यू नो नो पजेसिवनेस, नो डाउट टेकिंग, नो होरिंग ऑन टू योर सोशल मीडिया थ्रू फेक अकाउंट, नथिंग, दिस पर्सन इज ट्रस्टवर्दी, और ये पर्सन आपको इक्वल ट्रीटमेंट देगा, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन इज यू नो लिटिल वर्कहॉलिक, बट ये आपके लिए बहुत टाइम निकालेगा। ओके ये आपको बुक्स गिफ्ट कर सकता है, ही इज अ लाइब्रेरी मैन, मतलब इसके पास घर में लाइब्रेरी होगी, बहुत पढ़ता है, बहुत वाइज मैन है और इमोशनली वेरी सुपर स्ट्रांग एंड वेरी क्लियर कि इसको लाइफ में कहाँ जाना है। ओके एंड अगर आप यू नो कोई भी डिवाइन मास्कुलिन मुझे देख रहे हो, डजंट मैटर, लेबल हटाओ यार, आई एम टायर्ड ऑफ दिस ट्विन फ्लेम जर्नी, आई एम टायर्ड ऑफ दिस लेबल। ओके देर इज अ मच्योर वुमन हु इज अ एल्डर टू यू, ओके दिस वुमन इज वेरी 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 सोलमेट वाला लव, दिस पर्सन क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन डजंट वॉन्ट माइंड गेम्स, ओके दिस पर्सन इज स्ट्रेट टू द टॉक। अगर इस और ये हाई प्रिस्टेस एनर्जी में, पता नहीं आप किससे के साथ डील कर रहे हो, स्ट्रांग पाइसिस एनर्जी, कैंसर एनर्जी, ओके शी विल नॉट, शी विल डंप यू राइट अवे अगर आपने इसको पूरा अटेंशन नहीं दिया, 1 foot in 1 foot out रखा, शी विल डंप यू एग्जैक्टली। 5 of Swords 5 of Pentacle एंड 10 of Sword, वो आपके मुंह पे, या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आई टोल्ड यू दिस मच्योर वुमन इज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पावरफुल क्वीन इन द डेक, वेरी इंट्यूटिव, ब्लैक कैट इज देयर, वेरी लकी चार्म, सुपर लकी चार्म, सेल्फ एम्प्लॉयड, बॉस एस बीच, आई एम टेलिंग, आई एम वेरी सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बॉस एस बीच, सुपरली अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक एंड वेरी मच इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट एस, वेरी इंट्यूटिव, इसके सामने आप कुछ भी नहीं छुपा पाओगे, इफ यू आर गोइंग विद द बुलशिट पेज ऑफ पेंटिकल अपॉर्चुनिटी, शी विल कट यू ऑफ कंप्लीटली, शी विल कट यू ऑफ बिकॉज शी डिजर्व, वो सामने से बोल के दिखाएगी, आई डिजर्व अ बिग लेगेसी,
आई एम नॉट हियर फॉर चूतियापा, समबडी इज टेलिंग या बिकॉज आप जा रहे हो उसको स्मॉल डेटिंग ऑफर लेके, जस्ट अपोलॉजी और कन्फेशन, शी इज नॉट, शी विल कट यू ऑफ. ओके, समबडी इज कटिंग ऑफ समबडी, आई डोंट नो. या फाइव ऑफ वॉन्ड, बहुत कॉम्पिटिशन है इस लड़की के लिए, इस वुमन के लिए. दिस इज अ अर्थ एंजल, दिस इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन. या अगेन वही क्वीन निकल के आ रही है, दिस इज अ अर्थ एंजल, ये बहुत पास्ट में हार्ट ब्रोकन हो चुकी है. ओके, कार्मिक साइकिल को इसने अपने क्लोज किया है. लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स आर अगेन, हेटर्स है इसके, बट ये टस से मस नहीं है. कोई भी है, ये वुमन आपके एज